बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुहैब लबर्ड प्लैनेट। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ अपनी पेयरिंग शेयर करूँगा, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस साल कौन कौन सी पेयरिंग की है। मोस्टली इसमें से मैंने जो अपने घर के जो पट्टे थे ना, जो पेयर मेरे पास जिन्होंने ब्रीड की थी वही रोके थे, तो वही मैंने पेयरअप किए हैं। कुछ चंद एक पीस मैंने बाहर से भी लिए हैं जो मतलब कि कम पड़ रहे थे इस वजह से। तो आए मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ कि मैंने इस साल कौन कौन सी पेयरिंग की है। सबसे पहले हम चलते हैं केज नंबर 1 की तरफ। इसमें मेरे पास लगा हुआ है जी पार्ब्लू स्प्लिटिनो का मेल है और ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो की फ़ीमेल है। अच्छा, इसमें मैंने ये स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग की है क्योंकि मेरे पास एक अल्बाइनो रेड आई का जो फीमेल थी वो कम थी, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा फीमेल थी तो मैंने इन्हें पेयरअप कर दिया। अच्छा, इससे मेरे पास, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाता हूँ कि हमारे पास बच्चे कौन कौन से आएंगे। हमारे पास इसमें से क्रीमिनो भी आएगा, डेकिनो भी आएगा, पार्ब्लू भी आएगा जो कि पॉसिबल इन हो जाएगा, और अल्बाइनो रेड आई भी आएगा। जो तो रेड आई बर्ड आएंगे वो तो ओके हो गया, लेकिन जो ब्लैक आई बर्ड आएंगे ना, इस पेयर स्प्लिट टू स्प्लिट का सिर्फ एक नुकसान ये होता है कि जो ब्लैक आई बर्ड आते हैं वो जो हैं वो पॉसिबल स्प्लिटिनो में चले जाते हैं, लेकिन जो रेड आई बर्ड आते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड के होते हैं। तो अगर आप जो रेड आई बर्ड आएंगे उनको आगे फर्दर रेड टू रेड की पेयरिंग भी करने के, तो सारे बच्चे सर्वाइव करेंगे क्योंकि उनका ब्लड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, साइज़ भी अच्छा होता है। अच्छा जी, आगे आ जाएँ तो चलते हैं दूसरे केज की तरफ। इस केज में मेरे पास पिछले साल का मेरा ब्रीडर पेयर लगा हुआ है जिसमें है अल्बाइनो रेड आई की फ़ीमेल है और पार्ब्लू स्प्लिटिनो का मेल है। इसने मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, क्रीमिनोज भी दिए थे, अल्बाइनो रेड आईज भी दिए थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। आगे आ जाएँ तो तीसरे केज में मेरे पास लगा हुआ है जी पेल फेलो वर्किंग का पेयर लगा हुआ है। तो इसमें पार्ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है और ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। तो देखें इंशाल्लाह, ये इससे स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग इधर भी की हुई है मैंने, इससे जो पेल फेलोज व्यूअल निकलेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड के होंगे, उनमें मोर्टैलिटी ना होने के बराबर होगी, तो इसलिए स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग की है मैंने। कुछ देखें, स्प्लिट टू स्प्लिट पेयरिंग करने का कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। क्योंकि फ़ायदा ये है कि जो व्यूअल बर्ड आते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड के होते हैं, लेकिन जो आते हैं ब्लैक आई बर्ड आते हैं वो पॉसिबल स्प्लिट में चले जाते हैं। अच्छा जी, आगे चौथे केज की तरफ चलें तो ये मेरे पास इसमें लगा हुआ है जी अल्बाइनो का पेयर लगा हुआ है, अल्बाइनो रेड आई का मेल है और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई की फीमेल है। आगे आ जाएँ पाँचवें केज की तरफ, इसमें मेरे पास लगा हुआ है जी ये जो है मेल, मेरे पास पिछले साल का ब्रीडर मेल है अल्बाइनो रेड आई का, और साथ इससे मैंने अल्बाइनो पार्ब्लू स्प्लिटिनो की फीमेल दी है, क्योंकि पिछले साल जो मेल है वो जो फीमेल के साथ था वो सादा पार्ब्लू थी, स्प्लिटिनो नहीं थी, जिस वजह से मेरे पास कोई भी रेड आई बच्चा नहीं खाता, तो लिहाजा मैंने वो पेयर तोड़ के तो इसको अब इस दफ़ा पार्ब्लू स्प्लिटिनो की फीमेल दी है। अच्छा जी, आगे आ जाएँ तो इसमें मेरे पास लगा हुआ है जी, इसमें भी मेरे पास पेल फेलो वर्किंग का पेयर लगाया मैंने, वो कोने में बैठा हुआ नजर आ रहा होगा, डीडी ग्रीन की फीमेल है और पार्ब्लू स्प्लिट पेल फेलो पॉसिबल ऑफलाइन का मेल है। अगर तो पेल फेलो तो स्प्लिट कंफर्म है, लेकिन अगर मेल ऑफलाइन साबित होता है तो मेरे पास ऑफलाइन में ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन और पार्ब्लू ऑफलाइन सारे बर्ड आएंगे। आगे आ जाएँ तो मेरे पास सातवें नंबर केज में लगा हुआ है जी अल्बाइनो का पेयर लगा हुआ है, अल्बाइनो एक मिनट यहाँ देखें, अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई की फीमेल और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। अच्छा जी, आगे चलें तो ये इसमें मेरे पास ये जो ऊपर मैंने ब्रीडर पेयर आपको बताया, ब्रीडर मेल जो बताया उसके साथ फीमेल जो सादा लगी थी पार्लू की, वो ये है। ये फिलहाल अभी मैंने अकेली छोड़ी हुई है, इसके साथ मुझे कोई पीस नहीं था मिल रहा इस जो इसके साथ छोड़ता, तो इसलिए ये लिहाजा ये एक ही पीस इसमें है। आगे आ जाएँ तो ये है मेरा पिछले साल का ब्रीडर पेयर है जिसमें है जी पार्लू स्प्लिटिनो की फीमेल है और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई का मेल है। अच्छा, ये भी स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर लगा हुआ है, तो इसने भी मेरे साथ पिछले साल माशा इसमें मुझे क्रीमिनो दो क्रीमिनो दिए हैं, एक डेकिनो दिए, तीन अल्बाइनो रेड आई दिए हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड के थे, बहुत अच्छा उनका साइज बना था, तो ये पेयर मैंने तोड़ा नहीं है, वैसे ही रहने दिया क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लिहाजा ये भी स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर लगा हुआ है। अच्छा जी, आगे आ जाएँ तो इस पर मेरे पास है जी ये देखें, एक मिनट इधर से देखें, इसमें मेरे पास स्प्लिटिनो फिशरी रेड आई का मेल है
और अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई की मेल है, सॉरी की फीमेल है। अच्छा, ये जो लुटिनो रेड आई है ना, ये पॉसिबल ब्लू टू भी है। अगर ये ब्लू टू कन्फर्म होता है तो मेरे पास ये माशाल्लाह मुझे क्रिमिनो देगा, जो कि बहुत अच्छे साइज़ के और स्ट्रॉन्ग ब्लड के होंगे, क्योंकि एक तो उसके साथ स्प्लिट बर्ड लगा और लुटिनो खुद एक ग्रीन बर्ड है, लिहाजा ये बहुत अच्छा क्रिमिनो का साइज निकलेगा अगर ये ब्लू टू कन्फर्म हुआ तो। आगे आ जाएँ तो आगे है मेरे पास जी, ये देखें, ये मेरे पास लगा हुआ है जी क्रिमिनो इंटू डेकिनो का पेयर लगा हुआ है। ये मेरे खुद के घर के पट्टे हैं, तैयार हुए हैं, तो ये इसका पेयर है। ये ब्लूटूथ की वर्किंग है, क्रिमिनो डेकिनो तो आएंगे ही आएंगे, और जो अल्बाइनोज आएंगे चाहे वो ब्लैक आई हो चाहे वो रेड आई हो, दोनों ही पॉसिबल ब्लूटूथ होंगे जिससे टेस्ट भी उसके बाद कन्फर्म किया जाएगा। आगे आ जाएँ, ये इसमें मेरे पास एक ग्रीन बर्ड लगा हुआ और एक साथ क्रिमिनो का मेल है इसके बारे में, और एक ये पेयर है जिसमें मेरे पास ग्रीन बर्ड है और एक अल्बाइनो रेड आई है। इसके पेयर के बारे में मैं आपको एंड पे बताऊंगा, क्योंकि ये एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, तो आगे चलते हैं। ये देखें जी, इसमें मेरे पास लगा हुआ है जी क्वार्ब्लू स्प्लिटिनो की फीमेल है और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। ये भी करके पटे हैं, तैयार हो गए हैं, तो ये भी पेयर अपनी है। आगे आ जाएँ तो ये भी देखें जी, इसमें मेरे पास है जी ग्रीन पॉसिबल ब्लूटूथ की फीमेल है और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। अगर ये भी ब्लूटूथ कंफर्म होता है फीमेल जो है, तो ये भी मेरे पास क्रिमिनो देगी, जो कि अगेन काफ़ी अच्छे साइज की होगी, ग्रीन बर्ड लगा हुआ है। तो आगे चलते हैं, ये इसका मैंने बताया कि आपको एंड पे बताऊंगा, आगे चलें जी। ये मेरे पास लगा हुआ है जी अल्बाइनो रेड आई का मेल है और क्रिमिनो की फीमेल है, जो कि ब्रीडर फीमेल है। मेल भी पिछले साल का है, लेकिन इस मेल से मैंने ब्रीड नहीं ली क्योंकि वो एक्स्ट्रा फीमेल नहीं थी, और जो क्रिमिनो है वो ब्रीडर है। उसके साथ जो क्रिमिनो के साथ मेल लगा हुआ था अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई का था, वो एक्सपायर हो गया था, तो क्रिमिनो ने ब्रीड तो की थी पिछले साल, तो इस साल ये एक्स्ट्रा थी, तो मैंने ये मेल भी सेम एज का था, तो इसके साथ मैंने पेयर अप कर दिया। रेड टू रेड की पेयरिंग है ये माशाल्लाह से। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो आगे इस साइड पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मेरे पास लगा हुआ है जी ग्रीन फिशर है और साथ इसके वायलेट फिशरी पॉसिबल इनों की फीमेल है। ये वैसे फॉस्टर के तौर पर इस्तेमाल होगा, सादा बच्चे निकालेगा सारे। और इसके साथ ही आ जाए तो ये मेरे पास अल्बाइनो का पेयर लगा हुआ, अल्बाइनो रेड आई का मेल है जो कि पॉसिबल ब्लूटूथ है, और साथ ही इसमें मैंने लगाया है अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई की फीमेल जो है। अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई की फीमेल मेरे घर का घर की है, पट्टी तैयार हुई है, तो घर के किस्त हो गए थे। अच्छा, अगर ये मेल कन्फर्म होता है ब्लूटूथ, तो ये सारे के सारे बच्चे क्रिमिनो और डेकिनो देगा, अदरवाइज ये सारे अल्बाइनो रेड आई और स्प्लिट रेड आई निकाल देगा। अच्छा, इसके नीचे साथ ही आ जाए तो ये मेरा पिछले साल का ब्रीडर पेयर है, क्वार्ब्लू स्प्लिटिनो की फीमेल और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। इसने भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी मेरे पास, क्रिमिनल्स भी दिए थे और अल्बाइनो रेड आई भी दिए थे। इसके साथ ही आ जाए तो ये देखें, ये मेरा पट्ठों का पेयर लगा हुआ है, इसमें मेरे पास वायलेट क्वार्ब्लू स्प्लिटिनो की फीमेल और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। ये मेरे पिछले साल के, ये इस साल के पट्ठे रुके थे, वो तैयार हुए हैं। आगे इससे नीचे आ जाए तो ये मेरे पास लगा हुआ है जी ब्लू फिशर पॉसिबल इनो और अल्बाइनो पॉसिबल इनो, अल्बाइनो फीमेल और ब्लू फिशर मेल है। अगर तो ये इनो कन्फर्म हुए तो रेड आई बच्चे निकालेंगे, अदरवाइज ये सारे ब्लैक आई सादा बच्चे निकालेंगे, और बाद में ये फोस्टर के तौर पे इस्तेमाल करूँगा मैं। इसके साथ आ जाएँ तो ये मेरे पास पेयर लगा हुआ है, ये है हाँ ब्लू पेस्टल स्प्लिट इनो इंटू ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो। ब्लू पेस्टल जो है वो मेल है और ब्लू फिशरी जो है वो फीमेल है। ये भी मुझे अल्बाइनो रेड ही देगा। आगे चलें तो मेरे पास है ये देखा, इसमें मेरे पास ये लास्ट क्लास के बच्चे हैं, ये भी पेयर अप कर दिए वैसे मैंने, क्रिमिनो का मेल है और अल्बाइनो रेड की फीमेल है, लेकिन अभी इनकी एज कम है, लिहाजा इसकी एज पूरी करूँगा पहले, फिर इनको बॉक्स दूँगा। ये साथ ही आ जाएँ तो इसमें मेरे पास क्रिमिनो और एक अल्बाइनो रेड आई है और एक क्रिमिनो, दोनों फीमेल है, ये एक्स्ट्रा थी, वैसे भी इनकी एज कम है, तो इनको भी देखते हैं फिर किनके साथ पेयर अप करना है। आगे आज, अच्छा जी बात रह गई ये दो पेयर की, ये जो ग्रीन और ये वाली ग्रीन, इसमें मैंने आपको बताया था, ये मैंने अगर आप पुरानी वीडियो मेरी देखें तो उसमें ये पेयर अप हुआ था, ये ग्रीन वाली फीमेल है और ये इसमें ग्रीन वाला मेल है। मेल है ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू टू,
और फीमेल भी है ग्रेन स्प्लिटिनो स्प्लिट ब्लूडू। अब इन दोनों बर्ड में से मेरे पास एक जो है ना वो ब्लूडू है, दोनों ब्लूडू नहीं है। अच्छा, अब मुझे पता नहीं है कि क्योंकि जब मैंने पिछले साल पेयरअप किया था इसने मेरे पास पार ब्लू ऑफलाइन बच्चा दिया था, इसका मतलब यही है कि ये इन दोनों में से एक बर्ड ब्लूडू है और मेल जो है वो ऑफलाइन स्प्लिट भी है। अब कन्फर्म करने के लिए कि कौन सा पेयर मेरे पास इसमें ब्लूटू है, कौन सा सॉरी पेयर कह रहा हूँ पीस है ब्लूटू, तो एक को लिहाजा मैंने अल्बाइनो रेड आई का की फीमेल दे दिया है। ये मेल जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसके साथ अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है और ये वाली फीमेल है इसको साथ मैंने क्रिमिनो का मेल दे दिया। अब कुछ दोस्त सोचेंगे कि इसको मैंने क्रिमिनो का अल्बाइनो का मेल क्यों नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर तो ये मेल मेरे पास ब्लूटू कन्फर्म होता है तो ये मेरे पास क्रिमिनो ऑफलाइन निकाल के देगा मुझे, क्योंकि मेल जो है स्प्लिट ऑफलाइन है, वो फीमेल होगी क्रिमिनो ऑफलाइन की और क्रिमिनो सादे भी निकालेगा मेल फीमेल, अल्बाइनो रेड भी निकालेगा। तो फिर मुझे लेकिन जो इसमें से मेरे पास अल्बाइनो आएगा ना वो कन्फर्म ब्लूटू नहीं होंगे, वो ब्लूटू होंगे ही नहीं। अच्छा, लिहाजा इससे पेयर से इस पेयर को फिर मुझे दोबारा तोड़ना पड़ेगा और क्रिमिनो की फीमेल दूंगा तो फिर मुझे जो अल्बाइनो आएगा वो ब्लूटू होंगे। लिहाजा अगर तो मेरे पास ये फीमेल कन्फर्म होती है ब्लूटू तो इससे मेरे पास क्या फ़ायदा होगा कि इससे मैंने ऑलरेडी कन्फर्म तो हो जाएगा क्योंकि एक को मैंने अल्बाइनो रेड आई दिया है और एक क्रिमिनो दिया है, दोनों में से जिसने मुझे क्रिमिनो दे दिया इसका मतलब ये है कि वो ब्लूटू है। अच्छा, अगर ये फीमेल कन्फर्म होती है ब्लूटू तो इसे मैंने ऑलरेडी क्रिमिनो का मेल दिया हुआ है, लिहाजा जो मेरे पास क्रिमिनो आएंगे वो तो आएंगे, लिहाजा जो मेरे पास आएंगे ना अल्बाइनो रेड आई वो कन्फर्म ब्लूटू होंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ क्रिमिनो का मेल लगा हुआ है। तो ये थी इस पेयर की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है और ये सारी मेरी पेयरिंग थी इस साल की। तो उम्मीद करता हूँ पेयरिंग आप सबको अच्छी लगेगी। और इधर एक ये रा अलग गन ड्राई जिसे भी कहते हैं और रा भी कहते हैं, ये उसका पेयर है, इसकी भी माशाल्लाह एज पूरी हो चुकी है, उम्मीद है ये भी इस साल ब्रीड करेगा, इसे भी बॉक्स देंगे। ये इसका रिंग मुकम्मल वगैरह रिंग वगैरह एज इसकी तकरीबन 3 साल से ऊपर हो चुकी है, इस साल ये माशाल्लाह ब्रीड करेगा। तो अच्छा, जब ये मैंने माशाल्लाह जो पेयरिंग की है इनकी जो डेली बेसिस पे ब्रीडिंग प्रोग्रेस होगी जब बॉक्स लगाएंगे वो भी आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए और पेयरिंग अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।